आज से करीब 252 मिलियन ईयर पहले जब ये अर्थ अपनी पहली जोई कैरा से गुजर रही थी, तब साइबेरिया के वॉल्केनिक पहाड़ एक्सप्लोड होकर बिलियंस ऑफ टन लावा एंड जहरीली हवाएं आसमान में उड़ा रही थी। उस टाइम मंजर मानो कुछ ऐसा था कि एक और जहां जमीन पर राज करने वाले शाकाहारी लिस्टोसोरस एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर पूरे समुद्र को अपनी खुद की जागीर मानने वाले क्लाइडियोसोरस जैसे जीव पानी में रहते हुए भी पानी की एक एक बूंद को निगलने के लिए हजारों बार सोच रहे थे। मतलब इंटरेस्टियल एंड इक्वेटिक जीव, इन दोनों को ये पता चल चुका था कि अब उनका अंत नजदीक जा चुका है। और लिटरली हुआ भी कुछ ऐसा ही। द ग्रेट डाइंग नाम का एक मास एक्सटेंशन जिसमें अर्थ की एटलीस्ट 90% लाइफ विलुप्त हो जाती है। अब क्या आप यहाँ पर इसका मतलब समझ पा रहे हो? मीन्स वो मास एक्सटेंशन लिटरली इतना ज्यादा डेडली था कि उस वजह से हर 10 में से 9 जीव खत्म हो जा रहे थे। बट नेचर का तो रूल ही यही है कि जहाँ पर कोई एक स्पीसीज खत्म होती रहती है वहीं पर दूसरी स्पीसीज का जन्म भी होता रहता है। एंड इस रूल के अकॉर्डिंग जहाँ इस एक्सटेंशन के बाद डायनासोर उभर कर सामने आए और फिर डायनासोर के अंत के बाद हम ह्यूमन, तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इस एक्सटेंशन इवेंट में ऐसा क्या हुआ था जिससे करीब 90% लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, या फिर ये एक्सटेंशन इवेंट इतना खतरनाक कैसे था? तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है परमियन पीरियड से, जो आज के करीब 299 मिलियन ईयर पहले शुरू हुई थी और करीब 252 मिलियन ईयर पहले करीब 46 मिलियन ईयर के टाइम स्पेन के बाद खत्म हो जाती है। तो जब इस पीरियड की शुरुआत हुई थी तो अर्थ का कंडीशन उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम दुनिया भर में ग्लेशिएशन जैसे नॉर्मल इफेक्ट को देखा जा सकता था और समय के साथ अर्थ का टेम्परेचर ग्लेशिएशन स्टेज से इंक्रीज होकर गर्मी की ओर बढ़ने लगा। अब अगर टेम्परेचर एवरेज स्टेज पर भी रहे तो हल्का गर्म तापमान भी हर एक स्पीसीज के लिए काफी परफेक्ट होता है, राइट? मतलब उसे किसी भी तरीके का सर्वाइविंग क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली परमियन पीरियड के बीतने के साथ साथ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था और इसी ने नींव रखी जैविक इतिहास के सबसे बड़े इवेंट की, जिसे आज के टाइम में परमियन ट्रायासिक एक्सटेंशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पर इस क्लाइमेट चेंज के इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे के वीडियो में न सिर्फ इसका रीजन समझोगे बल्कि ये भी समझोगे कि क्लाइमेट चेंज किसी भी मास एक्सटेंशन के पीछे इतना क्रूशल रोल क्यों प्ले करता है। तो उसके पहले सभी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी अंटिल 252 मिलियन ईयर अगो, जब अचानक से प्रेजेंट टाइम के साइबेरिया में एक सुपर वोल्केनिक एरप्शन होता है। मतलब वो वोल्केनिक एरप्शन इतना इंटेंस था कि बीते 500 मिलियन सालों में उसे अब तक का सबसे बड़ा वोल्केनिक एरप्शन के तौर पर देखा जाता है। अब देखो, यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है कि इस वोल्केनिक एरप्शन में ऐसा क्या अलग था जिसने इतना भारी नुकसान पहुंचा दिया। अब देखो, इसके पीछे दो रीजन है, जिसमें पहला रीजन है स्केल और दूसरा रीजन है ड्यूरेशन। और यहाँ पर स्केल का मतलब है उस वोल्केनो का साइज, क्योंकि एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग साइबेरियन ट्रैप में एक्सप्लोड होने वाला ज्वालामुखी एंड उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए गए अब तक का सबसे खतरनाक वॉल्केनिक करप्शन तंबोरा इवेंट से भी 4000 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। और उस तंबोरा वॉल्केनिक इवेंट में करीब 100,000 लोग मारे गए थे। मतलब उस करप्शन के खत्म होने के बाद दूसरा ऐसा कोई इवेंट तुरंत स्टार्ट नहीं हुआ जिससे उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे रिकवर हो गया। बट साइबेरियन ट्रैप के साथ ये केस नहीं था, एंड कुछ आर्टिकल का तो यहाँ तक कहना है साइबेरियन रीजन में करीब 2 मिलियन सालों तक एक के बाद एक करके वॉल्केनिक करप्शन होते जा रहे थे। अब इतने सारे वॉल्केनो का एक के बाद एक करके फटते जाना आसपास की एरिया को पूरी तरीके से नुकसान करने के साथ साथ पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर रहा था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक थी इसकी राख। अब देखो, इस 2 मिलियन ईयर तक ज्वालामुखियों के एक के बाद एक करके फटने से इतनी ज्यादा मात्रा में लावा बाहर निकल रहा था जिससे करीब 70,00,000 किलोमीटर स्क्वायर जितना एरिया आज भी बेसाल्टिक लावा से ढका हुआ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्केनिक करप्शन में रिलीज हुई ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 एंड मीथेन, जिन्होंने हमारे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को इतना अनबैलेंस कर दिया था कि पूरी बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ सकती थी। पूरी पृथ्वी की हवा में इतनी ज्यादा वॉल्केनिक एस एंड इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भर गई थी कि इन्होंने बाकी गैसेस को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। और वैसे भी जब भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जाती है तो उसका सबसे पहला साइड इफेक्ट दिखता है ग्लोबल वार्मिंग। अब उस दौर में इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो चुकी थी तो उन्होंने अर्थ के आइस मेल्टिंग रेट को इंक्रीज कर दिया था,
एंड उनकी वो राख पूरे समुद्र में डिजॉल्व होने लगी। शुरुआत में उसकी टॉक्सिफिकेशन मरीन लाइफ को उतना नुकसान नहीं कर पा रही थी, बट जैसे जैसे एसिड एंड टॉक्सिसिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती गई। एज ए रिजल्ट 1.5 लाख साल तक चलने वाले इस चेन ऑफ इवेंट के फाइनल फेज तक आते आते पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी थी कि समुद्र के अंदर रहने वाले जीव समुद्र में रहने के बावजूद ढंग से सांस तक भी नहीं ले पा रहे थे। और इसी कारण अंत में उस वक्त एग्जिस्ट करने वाली 95% मरीन स्पीसीज विलुप्त हो गई थी, और उनमें बची वो 5% स्पीसीज भी विलुप्ति के कगार पर आते आते अपनी जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। अब ये तो बात हुई मरीन लाइफ की, बट समुद्र के ऊपर जमीनी हिस्से पर भी बहुत अच्छे हालात नहीं थे, क्योंकि समय समय पर जब जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर रिसर्च किया जाता है, तब तब उस पीरियड में बहुत सारी फ्लक्चुएशन को नोटिस किया जाता है। मतलब ये सेडिमेंट्री लेयर्स ये बताती हैं कि उस टाइम क्लाइमेट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहता था। अब यहाँ पर वॉलेटाइल का मतलब ये है कि कोई साल इतना गर्म है कि विंटर सीजन का कोई अता पता नहीं है, और वहीं पर कुछ साल तापमान इतना ज्यादा गिर जाता था कि मानो आइस एज आने वाला है। अब लगातार होने वाले इस फ्रिक्वेंट क्लाइमेट चेंज को बहुत सी स्पीसीज इसे अडॉप्ट नहीं कर पाई, एंड यही इनअडेप्टिबिलिटी उनके लिए खतरा बन गई। एंड कुछ इस तरीके से 95% मरीन स्पीसीज एंड 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज को खत्म करते हुए अर्थ के सबसे बड़े मास एक्सटेंशन इवेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसके फिगर को बड़े से बड़ा एस्टेरॉयड कोलिजन भी बीट नहीं कर पाया है। नाउ साइंटिस्ट ये भी एस्टिमेट करते हैं कि इस क्राइसिस ने उस टाइम अर्थ की ओवरऑल स्पीसीज का 90% पॉपुलेशन को एक्सटेंड कर दिया, और वहीं फिफ्थ मास एक्सटेंशन टोटल 76% लाइफ ही एक्सटेंड हुई थी। दरअसल कुछ साइंटिस्टों के अनुसार जब द ग्रेट डाइंग हुआ, तब इस अर्थ को उस हालात से बाहर निकलने में करीब 10 मिलियन साल लग गए, यानी कि जितना समय हम इंसानों को बंदरों से विकसित होने में लगा उससे भी 4 मिलियन साल ज्यादा। और इसकी वजह ये है कि इस एक्सटेंशन इवेंट के वक्त ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का तापमान इतना बढ़ गया था कि कहा जाता है कि जब से पृथ्वी पर पहला जीवन आया था तब से लगाकर अब तक का ये सबसे गर्म दौर था, जिससे लेक्स, बैक वाटर एंड मर्सी एरिया में उगने वाले फर्न्स एक्सटेंट होने लग जाते हैं, और क्लाइमेट में तेजी से चेंजेस के नाते इन्वायरमेंट भी काफी हॉट एंड ड्राई हो गया था। मतलब ये बात कितनी सही है ना कि हमें अपने इतिहास से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। जैसा कि इस ग्लोबल वार्मिंग को ही ले लो, कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को कितना हल्के में लेते हैं, और इसी वजह से हम नॉर्मली इसे सिर्फ आइस मेल्टिंग से ही जोड़ते हैं, बट रियल में ये बस टोटल इफेक्ट का 20% ही होता है। एंड आई होप कि ये सही सलामत अर्थ हम अपनी आने वाली जनरेशन को गिफ्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।